साइकिल जाम कितना है आगे? जाम ही जाम है यार, बहुत ज्यादा जाम है। सोन प्रयाग तक पूरा जाम ही जाम है और यहाँ से वापस मोड़नी पड़ेगी गाड़ी। बैरियर से आगे नहीं जाने देंगे पैदल? अच्छा, गौरीकुंड को गाड़ी नहीं जाएगी? नहीं जाने दे रहे गौरीकुंड का, सोन प्रयाग भी नहीं जाने दे रहे। अच्छा, सुन लिया दोस्तों आपने, यही रुका हुआ है आगे जाने में। ठीक है भाई लोगों, आप समझदार हो, आप जा सकते हो। लोग हमारे मायूस भाई, होटल कितने का मिल रहा है? 6500 का, मतलब एक रूम ना। अज्जू भाई वहाँ बैठे हुए हैं और फौजी भाई ने तो अभी ITBP वाले जवान से भी बहस कर दी थी क्योंकि वो हमें धक्का मारना। रात के 10 बज चुके हैं और अभी भी देखिए यात्री वापस आ रहे हैं, कुछ यात्री जा रहे हैं और अभी भी यात्री वापस आ रहे हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो गया है और हम निकल चुके हैं कुंड से आगे की ओर, लेकिन गाड़ी ने दिया है धोखा। तो यहाँ पे अभी जो यहाँ पे क्लच किट है वो फट चुकी है और गाड़ी हो गई है खड़ी। और हमारे श्रद्धालु गण जो कि कह रहे हैं कि बाबा का बुलावा नहीं है, इतनी बार हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी इनने हार नहीं मानी है, कहते हैं कि जाएंगे। और स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि 12 बजे ही पैदल जो ट्रैक है वो बंद कर दिया जा रहा है, भीड़ इतनी ज़्यादा है। और अभी ये देखिए दो महानुभाव हमारे लेके आए हैं क्लच ऑयल, देखते हैं क्या बनता है हमसे विदाउट मैकेनिक। भाई ऑयल मिला? ऑयल मिल गया, सिलेंडर लगा दूंगा। तूने बताया वो कि नए मॉडल की गाड़ी है, हैं? ये बता दिया था ना कि क्लच ऑयल यहाँ से वो नीचे से नीचे से गिर रहा है, नीचे से क्लच की फट गई ना नीचे से, यहाँ से सिलेंडर लगा के क्या करेगा, वो तो यहाँ फट गई है ये। हाँ ऑयल गिर गया तो इसको डाल के देखते हैं। हाँ और आगे का क्या सीन है कह रहे हो? बहुत मुश्किल है कह रहे हैं लोग यहाँ तो, आज तो तुम्हें रोक देंगे बोले यहीं गौरीकुंड में ही। हाँ 12 बजे बंद कर दे रहे हैं बोलो। 12 बजे? यस। डालो प्रेशर भी तो बनाना पड़ेगा अंदर से, एक जना क्लच दबाओ तो सबसे लास्ट। बाबा जी कैसे होगा क्या होगा? आराम से डालो संजू, प्रेशर बनाओ। टाइट हुआ क्या? दोस्तों गुप्त काशी से आगे सोन प्रयाग आने तक इतने बुरे हाल है मैं बता नहीं सकता, हर जगह जाम है और जहाँ नज़र फेरो वहाँ पे गाड़ियाँ, मतलब लाखों की संख्या में गाड़ियाँ हम देख चुके हैं, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। और अगर आप भी आने का प्लान कर रहे हैं तो देख लीजिए कितनी भीड़ है, मतलब गाड़ी 2-5 मिनट में थोड़ा सा 2 कदम खिसक रही है, तो बहुत बुरे हाल हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। क्या कहते हो भाई लोग, बहुत भीड़ है ना, हो गए परेशान? बहुत पार्किंग में तो जगह भी नहीं है। के 4 बज गए और मैं अभी लाइव जाम आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे सोन प्रयाग की हालत क्या है, तो आइए मेरे साथ।
एक टेंट में रहने का 5,000 रेंट पड़ेगा हमें। पार्किंग है ना, तो ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। और जो यहाँ पे टू व्हीलर है उसका है यहाँ पे पार्किंग चार्ज 50 और फोर व्हीलर का है 100। बढ़ा रहा हूँ, हाँ कोई आगे से ना आना भैया, बैग लग रहा है। सामान सेट करो, टेंट दोनों जाएंगे, स्लीपिंग बैग सारे जाएंगे, ब्लैंकेट जो है वो भी जाएंगे, जैकेट देखो ज्यादा मतलब जो यूजेबल कपड़े हैं वही रखना, ज्यादा मत रखना, और जो सामान रहेगा वो होटल पे छोड़ जाएंगे। ठीक है, करो फिर पैक करो। ठीक है भाई लोगों, आप समझदार हो, आप जा सकते हो प्लीज। चलो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के अभी मैं अगर आपको दिल से बताऊं तो बहुत बुरे हाल हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। और हम पहुँच गए थे सोनप्रयाग 1 बजे, लेकिन हमें 1 बजे के बाद भी गौरीकुंड की तरफ नहीं जाने दिया है। गौरीकुंड में जो हमारे दोस्त थे, जहाँ पर हमारी होटल में बुकिंग थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह भी नहीं है, तो आप यहीं पे रहिए। अब हम सोनप्रयाग में भटक रहे हैं। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का, तो पहले से ही प्रॉपर अपनी बुकिंग कीजिए। अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बहुत मुश्किल हो रहा है होटल्स। अभी हमने यहाँ पे पूछा था, एक रूम जो है वो 7,000-8,000 का मिल रहा है, तो या तो बजट इतना होना चाहिए अपने पास कि हो जाए। लेकिन और आने वाले ब्लॉग में मैं जा रहा हूँगा केदारनाथ ट्रैक पर, बट अभी भी कुछ भी नहीं कह सकते, देखते हैं बाबा का बुलावा है या नहीं है। उसके लिए आपको अगले व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ की आपको हालत तो बता ही दी है कैसी हो रही है, तो अगर आप भी मई जून में प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको होने वाली है। अगर हेलीकॉप्टर से आप जाने वाले हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, तो आप प्लान कर लीजिए कि आपको कैसे जाना है। पैदल ट्रैक अगर करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, काफ़ी सारी कैजुअल्टी भी अभी यहाँ पर सुनने को मिल रही है कि हो रही है, तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ आप यहाँ पर आइए और अपना ये जो बाबा के दर्शन है वो आराम से कीजिए। हमारे मायूस भाई, होटल कितने का मिल रहा है? 6500 का, मतलब एक रूम ना। अज्जू भाई वहाँ बैठे हुए हैं, और फौजी भाई ने तो अभी ITBP वाले जवान से भी बहस कर दी थी, क्योंकि वो हमें धक्का मारने वाले थे। और मैडम कैसा लग रहा है आपको केदारनाथ ट्रैक पर? बहुत गंदा, ऐसा मत कीजिए, आप बाबा के दर्शन पर जा रहे हैं तो स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। भीड़ देखिए आप यहाँ पे, गाड़ियाँ तो इतनी हैं, मतलब दिल्ली का चांदनी चौक भी फेल है, इतनी भीड़ है यहाँ पे। वहाँ पे देखिए लोग कितने आ रहे हैं जा रहे हैं, उधर से गौरीकुंड की ओर जाना होता है, लेकिन यहाँ पे ITBP और जो पुलिस बल यहाँ पे तैनात है उनने बिल्कुल यहाँ पे जाम कर रखा है पूरा सब कुछ। पाँव रखने के लिए जगह नहीं है नीचे, आप क्या करें, देखते हैं सुबह का प्लान करेंगे। बम बम बोले, बम बम बोले। तो दोस्तों फाइनली ट्रैवलर एंड ट्रैकर टीम को परमिशन मिल गई है, थोड़ा लेट मिली, शाम के 5:30 बज गए। अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड, तो आज हम स्टे करने वाले हैं गौरीकुंड में। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी परमिशन के लिए, बट हो गया। लोकल्स का होना इसीलिए थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है हमें। और आज की रात हम पहुँचने वाले हैं गौरीकुंड, काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि बाबा ने एक और द्वार हमारे लिए खोला है। वाह, तो हमने बैरियर को फाइनली पार कर दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बिट्टू भाई ने बहुत मशक्कत की है इस परमिशन के लिए। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आना पड़ता है यहाँ पे, यहाँ से लोकल टैक्सी जो है वो आपको लेकर जाएगी गौरीकुंड। आपको अपनी टैक्सी जो है सोनप्रयाग में ही पार्क करनी पड़ेगी। तो अब हम पकड़ने वाले हैं ये टैक्सी और इससे जाने वाले हैं गौरीकुंड। इसके अंदर
गौरीकुंड से पहले लग गया जाम और हम लोग फिर से हो गए पैदल। जाम में हम फंसना नहीं चाहते और पैदल जाने में हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बिना पीठ पे वजन लिए ट्रैक ट्रैक जैसा नहीं लगता। और देखिए कितना लंबा जाम है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, आने से पहले डिसाइड कर लीजिए। वैसे अच्छा है कि इतनी मशक्क़त करने के बाद बाबा जी के दर्शन हो, ये भी अच्छी बात है। आज तक की सबसे अच्छी यात्रा, मतलब दिल से खुशी है बाबा ने जो हमारे लिए द्वार खोले हैं और मेरे ट्रैकर साथी जो खुश हैं पूरे एंजॉय करते हुए। ये हर तरफ जाम फिर भी हम खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। भाई लोगों आ जाओ एक बार सब फ्रेम में आ जाओ। कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा लग, कैसा लग रहा है दोस्तों? ये पहले हम बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन बाबा ने जब से द्वार खोले हैं तब से और एनर्जी आ गई। अभी तो मन ऐसा कर रहा है कि सीधे केदारनाथ पहुंच जाए रात को ही। कुल मिला के आपको भी ब्लॉग देखने से हेल्प भी मिल रही होगी और जानने को मिल रहा होगा कि ट्रैवलर ट्रैकर की टीम आखिर अपने ट्रैक्स को कैसे एंजॉय के साथ करते हैं। मैं आपका हस्बैंड आयुष स्वागत कर रहा हूँ और जहाँ भी हो केदारनाथ चौकी पे आ जाइए, इसी से भी स्थल पे आ जाइए। पार्किंग जोर बरकर है, पार्किंग जोर बरकर है। वहाँ पे जो भी खाली गाड़ियाँ हैं बैठते रहे, वहाँ पे जो आगे जो गाड़ियाँ लगी है जो आगे जो खाली गाड़ियाँ होंगी उनमें बैठते रहे, बैठते रहिए। अनावत रूप से आगे रोलिंग के पास कोई भी खड़ा न रहे, वहाँ पर गाड़ियों के आने जाने की मना है। दोस्तों जस्ट एंट्री की है गौरीकुंड में और यहाँ के हाल आप देख सकते हैं, मेला लगा हुआ है बाबा के दरबार में और ये यात्री आ रहे हैं वापस, देख सकते हैं आप। और मेरे ट्रैकर्स जा रहे हैं, पूरी लाइन लगी हुई है नीचे जाने वालों की, ये देखिए लाइन वाइज। सो ये लोग बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं वापस। तो भाई कैसी रही आपकी यात्रा? क्या हम आज कंटिन्यू चल सकते हैं, ऊपर को ट्रैक कर सकते हैं? नहीं चल सकते, रेस्ट भी जरूरी है, बॉडी रेस्ट जरूरी है। बहुत तो जब जरूरी से है। हम सोनप्रयाग पहुंचे थे, बिट्टू भाई का कहना था होटल लेते हैं। तो इनका कहना है कि पहले भरपूर रेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद चढ़ा जाएगा ऊपर, 8 बजे चढ़ा जाएगा ऊपर, 6 बजे मंदिर में पहुंचेंगे। अच्छा टारगेट है, मजे आ रहे काफी। और जाएंगे हम नंगे पांव। अब कल को देखते हैं कौन कौन मेरे साथ नंगे पांव जाने वाला है। ये सबसे अच्छा ट्विस्ट है कि पहली बार मेरा ये 30वां ट्रैक है और मैं जा रहा हूँ नंगे पांव, सीधा कह सकते हैं आप। तो 29 ट्रैक मैं जब बूट्स के साथ कर सकता हूँ तो एक ट्रैक नंगे पांव क्यों नहीं। गौरीकुंड केदारनाथ जाने का आखिरी पड़ाव, यहाँ के बाद गाड़ी नहीं जाती है, पैदल ही ट्रैक करना होता है। और यहाँ देखिए भीड़ गजब है, एक नंबर भीड़ है। नो कोरोना गो कोरोना, चढ़ जाओ। गौरीकुंड पहुंचते ही सबसे पहले चाय, क्या बात, 20 रुपीज 1 कप टी। और ले आओ बिस्किट खिलाओ, नमकीन खिलाओ, कल को हम कुछ नहीं खाएंगे, कल को सबका व्रत है ना। ठीक हो गया। कल अज्जू भाई सबसे पहले हाँ बोल रहे हैं, कल को केले खाए ना आपने, फिर बताएंगे। रोटी खाएंगे, रोटी खाएंगे, भात खाएंगे, पनीर पनीर की सब्जी खाएंगे। पनीर बोल रहे हो 350 रुपए की है एक, 300 रुपए की एक प्लेट। अरे मैगी बनो रोटी लो चुपचाप, चाय नहीं करते। तो इस तरह की यात्रा में ना बजट सबसे पहले देखना पड़ता है और हम तो हैं लो बजट वाले, क्योंकि हमें तो इतने सारे ट्रैक करने होते हैं महीने के। रात के 10 बज चुके हैं और अभी भी देखिए यात्री वापस आ रहे हैं, कुछ यात्री जा रहे हैं और अभी भी यात्री वापस आ रहे हैं।